नमस्कार, मैं हूँ अशोक ठाकुर। आपको ले चल रहे हैं हम मऊ जिले के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंदवासी समाज के एक महाचौधूर हैं और भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय का वीडियो एक वायरल बड़े तेजी से हुआ है। मैं चाणक का शिष्य हूँ और नंदवंशियों का कैसे नाश करना है मैं भली बात ही जानता हूँ। नमस्कार भैया। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, बीजेपी नेता जो पारसनाथ राय ने कहा कि मैं नंदवंशी है का मैं शिष्य हूँ और नंदवंशियों का कैसे खात्मा करना मैं भली भांति से जानता हूँ, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप पारसनाथ राय जी एक शिक्षक हैं और साथ साथ वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस और इस तरह के शिक्षक का बयान जो है नंदवंशियों के पक्ष में ठीक तो नहीं है, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं और दूसरे प्रत्याशी हैं। और इस तरह का अगर प्रत्याशी इस तरह की सोच का है कि नंदवंशियों का बयान, नंदवंशियों का हम नाश कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपसे कि नंदवंशी इस देश का प्रथम सम्राट रहा है और उसी सम्राट को नाश करने के लिए चाणक्य ने एक नीति बनाई थी। तो अगर वो चाणक्य का अपना शिष्य कहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि चाणक्य नीति केवल ऐसे ही लोगों के लिए जो इस सोच के लोग थे उनकी भलाई के लिए थी, न कि चाणक्य नीति सबके भलाई के लिए थी, क्योंकि चाणक्य ने ओबीसी के लोगों के लिए, नंदवंश के लोगों के लिए नाश करने के लिए उसने राजद्रोह का काम किया, देशद्रोह का काम किया। जिस व्यक्ति ने राजद्रोह का काम किया, देशद्रोह का काम किया, इसको इन लोगों ने कहा कि चाणक्य 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 नीति बना दिया। जो अपने देश के राजा के प्रति जाकर के सेल्यूकस से मिला, सिकंदर से मिला और महापद्म नंद पर आक्रमण कराया, घरानंद पर आक्रमण कराया और करा करके उनका नाश करवाया, वो व्यक्ति कहता है कि मैं चाणक्य नीति हूं। तो वो चाणक्य नीति लिखने वाले उसके शिष्य हो सकते हैं, लेकिन वो शिष्य हो सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन यह एक गलत परंपरा है, क्योंकि ये ओबीसी राजाओं का नाश करने के लिए ही चाणक्य नीति लिखी गई। और चाणक्य ने अपने अपनी भलाई के लिए, अपने व्यक्तिगत जो उसका अपमान हुआ था उसके लिए, चाहे अपने समाज के भलाई के लिए, जिसके जिस समाज से पारसनाथ जी आते हैं, मैं ये नहीं कर पूरी समाज की बुराई नहीं करता मैं, लेकिन पारसनाथ राय जैसे सोच के लोगों की मैं कहता हूं कि इस तरह के सोच के लोगों ने जो कहा है, पारसनाथ जी ने जो कहा है, इस तरह के सोच के लोगों ने ही समाज को आज भी वर्तमान समय में इसी तरह से विदेशियों से मिलकर के केवल ओबीसी और नंद समाज के या छोटे बिरादरी के जो भी राजा हैं उनका नाश करने की बात करते हैं। चाहे आज भी मान लीजिए जो वर्तमान में भी हो रहा है कि ओबीसी को आरक्षण चाहिए, विरोध कौन करता है? इसी समाज के लोग करते हैं। ओबीसी को आरक्षण चाहिए, विरोध ये करते हैं, कहने के लिए हिंदू कहते हैं, लेकिन जब काम पड़ता है तो वोट लेने के लिए तो हिंदू है, लेकिन जब काम निकल जाता तो हिंदू नहीं है, तब वो नाई है, धोबी है, लुहार है, कुहार है, अहिर है, फला है, ढेका है। तो ये इसी तरह का आता है, क्योंकि ये कभी नागवंशियों को नाग बना देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, काली ना कालिया नाग को नाग कह दिया, तक्षक नाग को नाग बना दिया, सर्प बना दिया, सर्प थोड़े थे, वो तो नाग राजा थे, उनका नाश किया। नाश करने के बाद चंद्र नंद को राजा बनाया, जो कि महापद्म नंद का, चंद्रवंश का नाश नहीं हुआ, ये नाश करने के बाद नहीं, नाश तो चाणक्य ने नहीं कर पाया, क्योंकि वो महापद्म नंद के दासी पुत्र चंद्र नंद को अपना उसी के बहाने घात करके उनको मार डाला, जहर दे करके मारा नंदवंशियों को, उनके नौ पुत्रों को, महापद्म नंद को, और चंद्र नंद को राजा बनाया। तो जब चंद्र नंद को राजा बनाया, तो मैं बता दूं आपसे कि विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम एक विष्णुगुप्त है, तो उसने अपने नाम से दिया कि अब तुम चंद्र नंद नहीं रहोगे, अब तुम चंद्रगुप्त रहोगे, विष्णुगुप्त से उसने गुप्त दिया चाणक्य ने। और मूरा उसके माता का नाम था चंद्रनंद के, जो दासी रानी थी, तो उसने कहा कि अब आज से तुम चंद्रगुप्त मौर्य रहोगे, और वही मौर्य बस 72 तक चला, सम्राट अशोक उसमें महान हुआ, और आज भी उनका जगह जगह हर जगह मिलता है। इनका कुछ मिलता है क्या? वैदिक धर्म का कहीं कुछ मिलता है क्या? तमाम जगह खुदाई करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है इनका, ये तो केवल बस कपोल कल्पित कहानियां ही लिखते हैं, लिख देते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निकल गया, वहां जाने पर विज्ञान के छात्र इसको नहीं मान सकते, सूर्य को कोई निकल सकता है क्या? तो इसी नीति के है पारसनाथ राय जी,
और जो कह रहे हैं कि नंदवंशियों का नाश कर देंगे, तो मैं नंदवंशियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह कहे नंदवंशियों जाग जाओ। मैं पारसनाथ राय जी से कहना चाहता हूं कि अब नंदवंश अपना इतिहास जानता है, इसको धोखे से दे करके तुम लोगों ने मारा है, तुम लोगों ने धोखा दिया है, इनके साथ छल किया है, कपट किया है, और छल और कपट से इनका राज्य छीना है, और राज्य छीन करके तुम राजा बन गए, और राजा बनने के बाद इनको कहते हो नंदवंशियों का नाश कर दिया। तो आज नंदवंशी अपना इतिहास जानता है और नंदवंशी इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, और मैं मऊ से अपनी टीम लेकर के चल रहा हूँ, गाजीपुर के साथियों से बात कर रहा हूँ, और पूरे गाजीपुर में इस पारसनाथ राय के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कराऊंगा। क्या है पारसनाथ, नंदवंशियों को तुमने छेड़ा है, अगर तुमने नंदवंशियों का नाश किया तो फिर नंदवंशी एक बार जाग चुका है और तुझे औकात में ला देगा कि नंदवंशियों की औकात क्या होती है, और तुम क्या तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आरएसएस को भी नंदवंशी बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। मगर देखा जाए कि पारसनाथ एक शिक्षक भी है और एक उम्मीदवार भी है, तो इस पर क्या वोट से क्या चुनाव में क्या नहीं, नहीं एक शिक्षक अगर वो शिक्षक है तो एक शिक्षक कैसा पढ़ाई कर रहा होगा भाई, तो वो तो भाई द्रोणाचार्य वाली शिक्षा देता होगा, लोगों को अंगूठा काट लेता होगा। ऐसे शिक्षक का जो बयान करता हो कि मैं नंदवंशियों का नाश करना जानता हूँ, ऐसा जो शिक्षा देता हो कि मैं नंदवंशियों का नाश करना जानता हूँ, तो शिक्षा तो वही करता होगा जो द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था एकलव्य का, ऐसा ही शिक्षा देता होगा वो आदमी। मैं बहुत सम्मान करता था उनका, पारसनाथ राय जी का, मैं उनसे परिचित व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ पारसनाथ राय जी को के शिक्षक हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस से तमाम साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह का बयान क्यों नंदवंशियों का नाश करना जानते हैं। तो लो नंदवंशी आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं पारसनाथ राय जी, आओ चुनाव मैदान में, आए हो नंदवंशी तुम्हारे खिलाफ वोट करेगा, और मैं सारे नंदवंशियों के आज मैं देखिए इस दुकान पर मैं आया हूँ नंदवंशियों से मिलने के लिए कि पारसनाथ राय के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना है, कि वह इस तरह का बयान, घृणित बयान जो पारसनाथ राय ने दिया, एक शिक्षक होते हुए एक शिक्षक का ऐसा बयान होना ही नहीं चाहिए, उसको शिक्षक कैसे बना दिया गया, ये चाणक्य नीति का ही नीति है कि वो इस तरह की सोच का व्यक्ति शिक्षक बना जिसको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। मैं चाणक्य को राजद्रोही देशद्रोही मानता हूं भाई, जो कि सेल्यूकस और सिकंदर से जाकर के फ्रांस के नागरिक से मिलकर के और अपने देश पर आक्रमण कराता है, उसको क्या कहेंगे आप इस तरह का आक्रमण करा सकते हैं, अगर कोई पाकिस्तान से जाकर के मिल करके और अपने देश पर आक्रमण करे तो आप क्या कहेंगे, उसको देशभक्त कहेंगे कि देशद्रोही कहेंगे, देशद्रोही। तो उसी तरह का चाणक्य था, मैं कहता हूं चाणक्य कि चाणक्य देशद्रोही था, राजद्रोही था, चाणक्य को सजा होनी चाहिए, लेकिन इसी सोच के लोगों ने, पारसनाथ राय जैसी सोच के लोगों ने उसको क्या किया, चाणक्य नीति बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि चाणक्य ने ओबीसी के लोगों का, छोटे राजाओं का किस तरह से नाश किया जाए, ओबीसी के लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना करके उनके राजपाट को छीन लिया जाए, काम किया उसी नीति के तहत। पारसनाथ राय जैसे और आरएसएस के लोग सोचते हैं कि क्यों ना फिर से ओबीसी के लोगों को फिर से गुलाम बना करके और उसी सत्ता से तरह से कायम हो जाए, क्योंकि अब ओबीसी के लोग जाग रहे हैं तो फिर से इनको दबाने का काम किया जा रहा है। पारसनाथ एक शिक्षक भी है, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ तो उम्मीदवार का जो वाक्य नहीं, तो इस तरह से तो भाजपा को सोचना चाहिए, भाजपा ने अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, मोदी जी को सोचना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति की, इस तरह से संकुचित सोच के व्यक्ति को अगर टिकट दिया है तो हो सकता है मोदी जी के मानसिकता में खोट हो, अजय शाह के मानसिकता में खोट हो, क्यों समाज को जोड़ना भी चाहते हैं, समाज को गाली भी दिलवा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि एक साथ दोनों कहते हैं ना कि फुलाहू गाल हंसू ठठाऊ, दोनों तो चीज हो नहीं सकता है कि गाल भी फुला ले हंस भी ले, दोनों तो हो नहीं सकता कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते उसी नंदवंश के हैं, और फिर ये व्यक्ति कहे कि मैं नंदवंश का नाश करना चाहता हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और पारसनाथ जैसे व्यक्ति को मैं तो बड़ा सम्मान करता था कि एक शिक्षक हैं, लेकिन यह चाणक्य ये तो द्रोणाचार्य से भी घृणित शिक्षक है, ये अंगूठा काट लेता होगा अपने छात्रों का व्यक्ति, मैं कहता हूं और उनके सामने कह सकता हूं, समाज के सामने, आपके मीडिया के सामने कह रहा हूं। और चाणक्य नीति, चाणक्य क्या शिक्षा है, तो देशद्रोही है भाई, उसका विश्वास ही नहीं अपने भारत के संविधान पर, अपने देश के लोगों पर, भारत का जो संविधान लिखा गया उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं है उस पर, इस तरह के जिसको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, इस तरह के व्यक्ति को टिकट देना तो और घृणित कार्य है। नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे जो नंदवंशी, जो मऊ जिले के महाचौधूर हैं
और इनका कहना है कि पारसनाथ का इस ऐसे बयान पे सारे नंदवंशीय खफा हैं और देखा जाए काफी आक्रोश है इसको।